Okay, today we are start use Euclid division algorithm to find HCF. So let's start. So we have a question 135 and 225. Find HCF. तो कैसे start करना है वो देखते हैं. तो last video में मैंने तुम्हें सवाल बताया ये कैसे करना है. तो we start biggest value. Write down first 225 is equal to 135. Now divide 225 by 135. Let's see here. 135 सबसे छोटा कौन है? 135. 225 को अंदर रखना है. तो 135 का टेबल बोलना है. 135 वन जा 135. 135 टू जा तो 270 हो जाएगा, जो कि 225 से ज़्यादा हो जाएगा. तो वन टाइम लेते हैं. 135 वन जा तो 135 माइनस कर देते हैं. 5 में से 5 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो डायरेक्टली 22 में से 13 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 9 आएगा, मीन्स 90. यार रिमाइंडर कितना आया है? 90. और क्वाइटेंट का है 1, और 135 से अपने ने इसको डिवाइड किया. तो 135 क्वाइटेंट कितना है? 1 लिखना है, फिर प्लस करके रिमाइंडर लिखा जाता है 90. देन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टेप. तो 135 को अब तुम्हें 135 को यहाँ पे पहले लिख लेना है 135, और जो रिमाइंडर आया अब 90 उसको यहाँ पे 90 लिख लेना है. नाउ नेक्स्ट 90 को 135 में 90 का डिवीज़न देना है, तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं फिर से नेक्स्ट स्टेप 90 और 135 अंदर. तो 90 वन जा 90, 92 जा 180, ज़्यादा हो जाएगा. तो 90 वन जा 90, अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 में से 0 जा गया 5, 13 में से 9 जाएगा 4, तो रिमाइंडर कितना आया? 45 आया है. तो अब क्या करना है अपने को? मल्टीप्लाई में क्वांटिटी क्या रखना है? 1, और प्लस करके रिमाइंडर कितना लिखना है? 45. नाउ नेक्स्ट, अब क्या लिखना पड़ेगा अपने को यहाँ पर? पहले 90 लिखना है, देन रिमाइंडर 45. अब 45 का टेबल अगर हम अब ज़्यादा बड़ा है नहीं तो आप फटाफट अपने कर सकते हैं. 45 वन जा 45, 45 टू जा 90, तो 2 जा 90 हो जा रहा है, और रिमाइंडर क्या बचने वाला है? 0. तो यहाँ पे अपना लास्ट स्टेप यहाँ पर फिनिश हो गया सवाल. बस इसके आगे अपने करना नहीं. तो HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ 135 कॉमा 225 इज इक्वल टू जो फर्स्ट नंबर हो इक्वल टू के बाद उसे लिख देना है. तो इस तरह से अपना HCF फाइंड हो गया. अभी दूसरा सवाल लेते हैं. ओके, अब अपना सेकंड क्वेश्चन है. तो 196 एंड 38,220 का HCF फाइंड करना है. वैसे आंकड़ों के हिसाब से ये अपने को बहुत बड़ा दिख रहा है, पर एक्चुअल में ये बहुत छोटा सवाल है. कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, 38,220 को 196 से अपने डिवाइड कर दें. बड़ा है पर फिर भी देखो कैसे करना है. 196 वन जा 196 टू जा करेंगे तो कितना आएगा? सोचो, विचार. तो 196 टू जा करेंगे तो 392 आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो अपने क्या करेंगे, 196 वन जा कर लेते हैं तो 196 लिखेंगे. अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 1 लेते हैं तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे हो गया 7. इसको 1 देते हैं तो 17 में से 9 गया 8, और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 186 आएगा. ऊपर से ये वाला 2 उतार लेते हैं अपने, तो ये हुआ 1862. अभी बाकी है. अब 196 का टेबल बोलना है और इतना आना चाहिए, तो अपने को पता होना चाहिए. थोड़ा अपने लॉजिक लगाते हैं कि 196 टेंजा करें तो ये हो जाता है 1960. तो अपने 9 टाइम लेते हैं, कितने? 9 टाइम. 196 9 टाइम लेते हैं तो 1764 आएगा. आप कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, इतना ही आएगा. अब अपने क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ से करते हैं तो ये 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा. यहाँ 5, ध्यान रखना मित्रों, यहाँ 5 आएगा. तो यहाँ से 1 देते, 15 में से 6 करो तो 9 आया. यहाँ पे 7, 7 में से 7 गए 0, 0. और लास्ट राइट डाउन हियर 0. अब 196 5 जा करो तो 980 आ जाएगा. तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला? 0.
तो स्टूडेंट्स अगर रिमाइंडर जीरो मिल जाए तो स्टेप फिनिश ही हो गया, अब आगे कुछ बचा नहीं है। तो अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना, हाउ मेनी टाइम्स, 195 टाइम्स मल्टीप्लाई प्लस करके रिमाइंडर कितना लिखेंगे, जीरो। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब भी रेट जीरो आ जाए तो अपना स्टेप क्या हो जाता है, वहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो आप लिख देते हैं एस सी एफ ऑफ 196,38,220 इज इक्वल टू, पहला आंकड़ा यहाँ पे इक्वल टू के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, 196 लिखेंगे। तो ये अपना सेकेंड क्वेश्चन फिनिश हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज 867 एंड 255 फाइंड एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 865 जो बड़ा है उसको पहले लिख लो, इक्वल टू के तुरंत बाद अपने छोटा वाला लिख लो। अब इससे इसको डिवाइड करना है, तो 255 का टेबल बोलना है। तो अपने 10th क्लास में तो ये सब तो सीखना ही है। तो 255 1 जा 255, 2 जा करेंगे तो बहुत कम आएगा इससे, 3 टाइम करते हैं, 4 टाइम करते हैं, तो इस तरह अपने को कर लेना है, मल्टीप्लाई अलग से कर लेना है। 4 टाइम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं 3 टाइम कर रहा हूँ, तो 3 टाइम करते हैं तो कितना आएगा, तो 3 फाइव ज़ा 15 का 5, फिर 1 कैरी, 3 फाइव ज़ा 15 फिर से 16, और 1 कैरी, 3 टू ज़ा 6 और ये 7। कैसे भी करना 255 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, 7 में से 5 गया 2 आया, 6 में से 6 0, 8 में से 7 गया 102 आया रिमाइंडर। अभी आगे अपने करना है तो 255 3 टाइम करते हैं और प्लस रिमाइंडर क्या बचता है, 102 बचता है। ये आपको बहुत स्पीड में करना है क्योंकि ये सवाल को फटाफट करना रहेगा आपको एग्ज़ाम में। अब 255 लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 102, 255 को इधर लिख लेना है और जो रिमाइंडर बचे उसको यहाँ लिख लेना है। 102 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 3 टाइम करते हैं तो 306 आएगा, 2 टाइम करें तो कितना आएगा सोच के बताओ, तो 102 टू टाइम्स, 102 टू जा कितना होगा, 204 होगा, तो प्लस करके कितना बचेगा, 51 बचेगा। नाउ 102 फिर यहाँ पे लिख लो इसको और 51 को इधर लिख लो, 51 टू जा 102 होगा, प्लस करके रिमाइंडर क्या बचा, 0। देन अवर क्वेश्चन इज फिनिश। तो एस सी एफ ऑफ 867,255 इक्वल टू के तुरंत बाद जो वैल्यू आवे वो लिख देना है 51। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन फिनिश होता है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स अ प्राइम फैक्टर फाइंड करने। तो बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। 140 को इस तरह बॉक्स में लिख लेना है और इस तरह करते जाना है, दूसरे दो बॉक्स नए तैयार करना है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 140 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से, तो 27 जा 14, 0 का 0। अब फिर से स्टार्ट करते हैं, तो 70 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, पहले विचार करो 2, फिर ना हो तो 3, फिर ना हो तो 5, फिर ना हो तो, इस तरह आगे अपने को बढ़ते जाना है। तो 72 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा तो 10 बनेगा, तो 2 5 ज़ा 10। अब 35 आया, अब 35 2 के टेबल में आता है, नहीं हो सकता डिवाइड, अच्छा 3 के टेबल में तो नहीं हो सकता, डायरेक्टली किस में आएगा, 5 के टेबल में, तो 5 7 ज़ा 35। एंड लास्ट अपने यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, तो जब भी 1 आ जाए सवाल पूरा हो जाएगा अपना। तो वी हैव डन हियर 140 इज इक्वल टू, अवर प्राइम फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो कैसे लिखना है, 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे 140 के फैक्टर क्या हो गए, 2 रिस्ट 2 5 एंड 7। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन 156 को ऐसे बॉक्स में लिख लेना है, दूसरे दो बॉक्स फिर से बनाने हैं। अब 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड करते हैं अपने, क्यों, अच्छा तो ध्यान रखो मैं एक नई बात बताने वाला हूँ कि 2 से अगर डिवाइड करना है तो कोई भी आंकड़े का लास्ट यूनिट 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 7 ज़ा 14,
यहाँ पे 15 है तो 1 बचा, इसको गए 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 जा 60। चलो फिर से 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा देख के बताओ ऊपर, तो 8 लास्ट यूनिट है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18। अब 39 का लास्ट यूनिट क्या है, 9 है, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा तो अब 3 की बारी, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो कैसे, तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ता है कि 3 और 9 को प्लस करो, 3 और 9 को आंकड़ों को प्लस करो, प्लस करने पर कितना बनेगा 12। अब 12 3 के टेबल में आता है विचार करो, तो हाँ भाई आता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। उसी तरह आप 13 को आपस में प्लस करके देख लो, 1 और 3 प्लस करेंगे कितना बना 4, अब 4 3 के टेबल में आता है नहीं आता है, इसलिए वो 3 से नहीं होगा। अब वैसे ही 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 30, तो सवाल अपना यहाँ पे फिनिश हो गया। देन राइट डाउन 156 इज इक्वल टू 2 और 2 को कितनी टाइम लिखेंगे 2 रिज टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। अवर प्राइम फैक्टर ऑफ 156 2 रिज टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। नाउ थर्ड क्वेश्चन 3825, तो इसको बॉक्स में लिख लेते हैं 3825। अच्छा तो अब इसे 3 से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके लिए मैंने क्या बताया कि 3 8 और 2 5 को प्लस करो, प्लस करने पे क्या बनता है, तो देखो 3 और 8 11 11 और 2 13 13 और 5 कितना हो गया 18। अब 18 3 के टेबल में आता है विचार करो, आता है तो 3 से पहले डिवाइड करो 3 से, चलो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यहाँ पे कितना बचा 2 22 बना यहाँ पे, तो 3 7 जा 21 1 बचा, 3 5 जा 15। नेक्स्ट टॉपिक, अब 1275 है ओके, अब ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं वो कैसे करेंगे, तो 1 और 2 को प्लस करो 3 3 और 7 10 10 और 5 15, तो 3 से होगा 15 3 के टेबल में आता है, तो 3 4 जा 12 उसके बाद 3 2 जा 6 यहाँ पे 1 बचा, 3 5 जा 15, तो 425 आया। अब 425 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है वो अपने विचार करते हैं, तो 4 प्लस 2 6 6 प्लस 5 11 11 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम डायरेक्टली अब 5 से करेंगे, 5 8 जा 40 कितना बचा 2, तो 5 5 जा 25। अब 85 कौन से टेबल में, 5 में फिर से, तो क्या करना है 5 1 जा 5 यहाँ से 3 बचा, 5 7 जा 15 और 17 1 जा लास्ट 17। तो राइट डाउन हियर 3825 इज इक्वल टू अवर प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 दैट मीन्स 3 रिज टू 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 5 रिज टू 2 एंड मल्टीप्लाई लास्ट सिंगल टाइम 17 राइट डाउन हियर 17। तो गाइस हियर 3 सम्स फिनिश हो गए हैं, अब आपको इसके जो 3 सम्स है वो आप कर सकते हो होमवर्क में।